नमस्कार, मैं विजय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। इस दिवाली प्रदेश में पटाखे नहीं बिकेंगे, स्कूल भी 16 नवंबर तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि पटाखों के धुएं से कोरोना संक्रमितों व आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीएम गहलोत ने पटाखों के विक्रय के अस्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए, कहा कि शादी एवं अन्य समारोह में भी आतिशबाजी रोकी जाए। उन्होंने बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गहलोत रविवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा कर रहे थे। जानिए कि पटाखे क्यों हैं जानलेवा। दीपावली के बाद हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जो सांस, अस्थमा व दिल के मरीजों के लिए घातक है। इन दिनों नमी बढ़ने लगी है व धूप भी हल्की रहती है, इससे प्रदूषित कण हल्के होकर अधिक ऊपर नहीं उठ पाते और प्रदूषण जानलेवा हो जाता है। जान है तो जश्न है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने बताया कि स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50% के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमत हो सकेंगे। कार्यक्रम में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने आदि की पालना जरूरी है। मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।